नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हर वर्ष अगस्त के पहले हफ्ते 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक मनाई जाती है। यह सप्ताह मनाने की शुरुआत सन 1990 में हुई थी। उसके पीछे रीज़न था कि महिलाओं का ब्रेस्ट फीडिंग पे से यकीन उठ रहा था। उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हो गई थी कि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत नुकसान है उनके शरीर को, और इसका नतीजा था कि बहुत सारे बच्चे उनके अंदर कुपोषण बढ़ता जा रहा था। तो सारे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर के कई अन्य संस्थाओं के साथ 1990 में इनोसेंटी डिक्लेरेशन के तहत हर वर्ष यह सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। इस वर्ष वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो वो है थीम है, हर साल एक थीम होती है। इस थीम में इस बार हमने वर्किंग पेरेंट्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को आसान बनाने का प्रण लिया है, और उसके तहत हमें करना ये है कि सबको सबसे पहले ये बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों अच्छा है, और उसके बाद हर एम्प्लॉयर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उनकी डिलीवरी हुई है, उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं जहाँ पे वो अपने शिशुओं को स्तनपान करा सकें, जिससे स्तनपान को या माँ के दूध को अमृत कहा गया है, उसके फ़ायदे और नुकसान जो है उन बच्चों को मिल सके। और इसके लिए उन्होंने इन्फॉर्म, एंकर, एंगेज और गैल्वेनाइज, ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, समझाइए, फिर उस पर स्टिक करने को कहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए जिससे वो ये काम करते रहें। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब से कब तक कराई जा सकती है, ये बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में रहती है। तो ये संस्था, ये दुनिया का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ग्रुप जो है, ये फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने की बात करता है, और मिनिमम 1 साल 2 साल या जब तक आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहे आप करा सकते हैं। उसमें 6 महीने के बाद बाकी जो पोषक तत्व हैं उनको जोड़ना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग करने से जो माएँ होती हैं उनको डिलीवरी के बाद बहुत फास्ट उनकी रिकवरी होती है। उनका यूट्रस जो इतना बड़ा हो गया था उसको नॉर्मल अपने पोजीशन इतने बड़े आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। माताओं को डिप्रेशन नहीं होता है, माताओं को ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, और उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता है, वो बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को गेन कर लेती हैं। इसी प्रकार से वो शिशु जो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा जाता है, उसको जो आपको ये मानना है, ये जानना है कि माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए, इंसान के बच्चे के लिए बना है, और गाय का और भैंस का दूध गाय और भैंस के बच्चे के लिए बना है। तो जो बच्चा अपनी माँ का दूध पी करके बड़ा होता है वो स्वस्थ रहता है, वो ओवरवेट नहीं होता, ओबीज नहीं होता, उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है, उसको रोज़ रोज़ डायरिया नहीं होता, निमोनिया नहीं होता, कान में दूध जाने से इन्फेक्शन नहीं होता है, आगे चल के वो ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, एस्मा, डायबिटीज़, चाइल्डहुड कैंसर, इस तरह की बीमारियां उसको नहीं पकड़ती हैं, और एक कॉन्फिडेंट इंसान बनता है क्योंकि उसका माँ के साथ जो अटैचमेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बना होने की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अलावा भी हमको इन सारी चीज़ों की जानकारी अपनी महिलाओं को देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत 1 घंटा डिलीवरी होने के बाद से लेकर के 2 साल या उससे ऊपर, जितना दिन बच्चा चाहे उतने दिन करना चाहिए। कोविड के टाइम में भी कोई भी दुनिया में ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग को रोका जाता है, जब तक माँ वेंटिलेटर पे ना हो, माँ को कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो माँ का दूध अमृत है, इस दूध से आप अपने बच्चे को बिल्कुल वंचित मत रखिए। अगर आप वर्किंग वूमन हैं तो अपनी संस्था में बात करके अपने लिए इस तरह से टाइम निकालिए कि आपके बच्चे को आपकी ब्रेस्ट फीडिंग मिल जाए। जिन संस्थाओं में मैटरनिटी लीव आपको ग्रांट की जाती है वहाँ पे इसीलिए वो 6 महीने हैं, ताकि आप अपने शिशुओं को ठीक से स्तनपान करा सकें। थैंक यू सो मच।